मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के माध्यम से शहर में अपराध, चेन स्नैचिंग, गुंडागर्दी, नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए एक नई योजना शुरू कर दिया है। बता दें कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिमंडल एक की पुलिस ने विशेष नाकाबंदी शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त गायकवाड़ के मुताबिक नाकाबंदी शुरू हो गई है और यह स्थायी रूप से आयोजित की जाएगी और उक्त नाकाबंदी 29 स्थानों पर लागू की जाएगी। नाकाबंदी स्थल पर 5 से 6 कांस्टेबल, एक पुलिस उपनिरीक्षक तथा प्रत्येक क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त नाकाबंदी स्थल पर जाकर निगरानी रखेंगे। अभी पुलिस रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें से 1000 कांस्टेबल्स मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय में दाखिल हुए हैं, तो मैन पावर की जो दिक्कत थी वो अभी कम हो गई है। शहर में गुनहगारी रोकने के लिए कुछ 29 जगह है, 29 जगह है, वहाँ पे नाकाबंदी करने वाले हैं। तो वहाँ पे एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 से 5 कर्मचारी, एक ट्रैफिक कर्मचारी, ऐसी नाकाबंदी की जाएगी और उनको चेक करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर और एसीपी डीसीपी खुद वहाँ पे सहभागी रहेंगे। और इसके अलावा ऑल आउट ऑपरेशन भी किया जाएगा, उसमें से जो डिटेक्शन का स्टाफ है वो जो अवैध धंधे, दारू बेचने वाले या ड्रग्स, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समय ये सरप्राइज रहेगा, समय अलग अलग समय पे ये कार्रवाई की जाएगी, कभी दिन में, रात में, इवनिंग में ये कार्रवाई चलेगी। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।